लोकनायक सामुदायिक भवन आरा में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज का युवा जदयू भोजपुर द्वारा न्यू वर्तमान जिला अध्यक्ष चिकू सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम संचालन जदयू प्रवक्ता शंभू प्रसाद सोनी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत जदयू जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह द्वारा जदयू भोजपुर की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज को अंग वस्त्र व बुक्के से सम्मानित करते हुए किया गया। इसके बाद उपस्थित दल के वरिष्ठ साथियों को अंग वस्त्र से सम्मानित युवा जदयू के साथियों द्वारा किया गया। उज्जवल सिंह ने बाबू वीर कुंवर सिंह का मोमेंटो प्रदेश अध्यक्ष को भेंट किया। प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि युवा ही संगठन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने पूरी मजबूती से दल की मजबूती के लिए युवाओं से कार्य करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि युवा देश राज्य एवं समाज की दिशा और दशा निर्धारित करने का काम करते हैं। उन्होंने पूरी मजबूती से संगठन मजबूती से कार्य करने की बात कही। भोजपुर की धरती पर आज आप आरा पहुंचे हैं, जहां पर जदयू के युवा के जो कार्यकर्ता हैं आपका यहां भव्य स्वागत किए। यहां पहुंचने का कारण क्या था, किस वजह से आज यहां पर आए हुए हैं? पार्टी ने युवा विंग जो है यूथ ब्रिगेड, उसकी जवाबदेही मुझे दी है। बिहार प्रदेश के युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद संगठन की मजबूती के लिए हम लोगों ने संगठन के साथियों से राय मशवरा किया, तो उसमें यह निकल कर के आया कि पहले संगठन की वास्तविक स्थिति ग्राउंड पर क्या है उसको देखने के लिए बिहार भ्रमण का कार्यक्रम करना जरूरी है। नीचे जाइए, कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के वरिष्ठ साथी हैं, उन सब लोगों से राय मशवरा करिए, उनका सुझाव लीजिए कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने एक बिहार भ्रमण का यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया और उसकी शुरुआत हम लोगों ने कल छपरा से की। जेपी की धरती जो है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती छपरा में हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया। उसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने का मूल उद्देश्य यही है कि यहाँ जो संगठन के पुराने वरिष्ठ साथी हैं, जो संगठन को जिन्होंने खड़ा किया है, जो संगठन को अभी चला रहे हैं, और जो नए लोग पार्टी संगठन में जुड़ करके नीतीश जी के संगठन को पार्टी को, हमारे जनता दल यूनाइटेड को, हमारे नेता को और मजबूत और धारदार बनाना, कैसे और धारदार बनाया जाए, इस पर हम लोगों ने नौजवान युवा साथी जो आरा के हैं हमारे, उन सब लोगों से हम लोग बातचीत करके पार्टी को और मजबूत कैसे करें उसके लिए आज हम लोग यहाँ। किस तरीके का सुझाव दिया या किसी कई तरह के बातचीत विचार विमर्श हुए होंगे, तो किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सर चर्चा रहा इसमें? अभी तो हम लोगों ने जैसे यहाँ आरा आने के बाद एक जो स्वागत का जो कार्यक्रम चलता है वो सब चला। हम लोग एक यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को सार्वजनिक तौर पर रखा है। तो यहाँ आरा का जो, आपको बता दें कि आरा का जो हमारा संगठन है वो बिहार में सबसे मजबूत संगठनों में से एक है। यहाँ पर हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार है, कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है वो बहुत मजबूत है। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ रात में भी रात्रि विश्राम हमारा आराम है, सब लोगों से 1-to-1 भी बात करके जो उचित होगा वो हम लोग सब लोगों से बात करेंगे और आगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो आज यहाँ जो आपने बताया कि दौरा चल रहा है, तो आगे क्या दौरा में होगा, कहाँ? हम लोगों ने अभी कल से इसका शुरुआत किया है। दो को हम लोग छपरा में थे, आज आरा में है। बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, ऐसे 10 तारीख को हमारा यात्रा, ये पहला फेज का समाप्त होगा अरवल में, और सेकेंड फेज हमारा है 13, 14, 15 वैशाली, गोपालगंज और सिवान। और उसके बाद अभी हम लोगों ने दो फेज रिलीज किया बिहार में। आगे के लिए हम लोग अभी डेट्स निकालेंगे होली के बाद।